कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जिसको आपको याद रखना है, और बार बार आप लिख के देख लीजिए, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और जब भी समय मिले उसे रिवाइज करते रहिएगा, तो आप नहीं भूलेंगे और आसानी से आपको इसकी एप्लीकेशन भी समझ में आएगी, फिजिक्स भी आसान हो जाएगी आपके लिए। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एडिशन फॉर्मूले की। एडिशन फॉर्मूला, पहला आप लिख लीजिए साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस, अच्छा ये याद रखना है, या माइनस है, माइनस साइन ए साइन बी। थर्ड वन टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेन ए टेन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, अगर आपको साइन ए माइनस बी दिया है तो आप किस तरह से लिखेंगे? फोर आप वी में ही लिख लीजिए, साइन ए माइनस साइन बी, तो आपको लिखना है साइन ए कॉस बी, माइनस साइन लगाना है यहाँ पर, कॉस ए डॉट साइन बी लिखना है। फिफ्थ आप लिख लीजिए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सॉरी सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं, प्लस होगा, यहाँ पर माइनस है कॉस के में, तो यहाँ प्लस होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, टेन ए माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। टेन ए टेन बी दोनों का इंटू करके आपको लिख देना है। सेवेंथ आपको देखना है, अगर हम साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में बी की जगह पर ए रख दें तो वो टू ए बन जाएगा, साइन टू ए। साइन टू ए का फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी, सॉरी सॉरी ए है ना, तो टू कॉस ए हो जाएगा। नेक्स्ट एट, कॉस टू ए की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नाइन्थ कॉस टू ए, उसका एक और फॉर्म होता है माइनस का टू साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट टेंथ की बात करें अगर, तो उसमें भी कॉस टू ए का एक और फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों इलेवेंथ, टेन टू ए इक्वल्स टू टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि उसमें जब टेन ए प्लस टेन बी था, ए के बी की जगह पे ए रखा है, तो टू टू ए बन गया। अब टेन ए प्लस टेन बी अगर
टेन वी की जगह भी वी टेन ए लिख देंगे, तो 2 tan ही बन जाएगा, अपॉन 1 - 10 a 10 v था, अब 10 v की जगह 10 a रखा तो 10² a बन जाएगा बच्चों। इस तरह से ये फॉर्मूला आया। अगर बच्चों हम देखें 12th फॉर्मूले में कि जहाँ जहाँ हमने 2a लिखा है वहाँ पर अगर हम a ही लिखें, जैसे sin a cos a, तो उसकी वैल्यूज को हम किस तरह से लिखेंगे, मतलब एंगल को हम हाफ कर दें, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, 2 sin ay2 डॉट cos ay2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट cos a की अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, cos² ay2 माइनस sin² ay2 आ जाएगा। नेक्स्ट 14th cos a का दूसरा फॉर्मूला अगर देखें, 1 - 2 sin² ay2 आपको इस तरह से लिखना होगा। 15th cos a इक्वल्स टू 2 cos² ay2, एंगल को हाफ कर दिया माइनस का 1। 16th tan a की वैल्यू लिखनी है अगर आपको, तो किस तरह से लिखेंगे, 2 tan ay2 अपॉन 1 - 10² ay2। 17th आपको लिखना है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 sin a cos v। उसी तरह से आपको नेक्स्ट ऐड करना 18 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल्स टू 2 cos a cos v, आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। 18 19 की अगर बात करें तो साइन ए प्लस वी माइनस करना है आपको साइन ए माइनस बी से, इक्वल्स टू 2 cos a sin v आएगा। नेक्स्ट 20 कॉस ए प्लस वी माइनस कॉस ए माइनस वी, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 2 2 sin a sin b। 21 साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू कितना होगा, 2 sin c + d y2 डॉट कॉस सी माइनस का डी वाई टू। 22 साइन सी माइनस साइन डी विच इज इक्वल्स टू 2 cos c + d y2 डॉट साइन सी माइनस डी वाई टू। नेक्स्ट 23 कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू कॉस सी प्लस डी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 cos c + d y2 डॉट कॉस सी माइनस डी वाई टू। इस तरह से देख लीजिए 24 कॉस
सी माइनस का कॉस डी इक्वल्स टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू डॉट साइन डी माइनस का सी। बच्चे यहाँ याद रखना है आपको डी माइनस का सी बाई टू करना है कॉस सी माइनस कॉस डी वाले फॉर्मूले में। बच्चों ये तो कंप्लीट हुए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अब आपको देखना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो जैसे हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है ए प्लस माइनस ए कॉस थीटा प्लस माइनस वी साइन थीटा, तो हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू उसको चाहते हैं तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कर दीजिए प्लस का, और अगर मिनिमम वैल्यू चाहते हैं आप मिनिमम वैल्यू तो आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ही करना है, लेकिन आगे माइनस का साइन लगा देना है। इससे आपको फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। जल्दी से ज्वाइन अकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख दें।